उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश की जनता के जनकल्याण को लेकर योजनाएं चला रही है और योजनाओं का लाभ भी जनमानस को दिलाए जाने का काम किया जा रहा है। बाल अधिकारों को लेकर भी सरकार लगातार काम कर रही है और बच्चों को पढ़ाने से लेकर बच्चों को आगे बढ़ने का मौका सरकार दे रही है। लेकिन मुरादाबाद में घुमतू जाति के परिवारों के बच्चे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए स्टंट का सहारा ले रहे हैं। घुमंतू जाति के बच्चे रस्सी के सहारे हवा में करतब दिखा रहे हैं और राहगीरों से इनाम की राशि वसूल रहे हैं। 6 साल की ये बालिका मुनिया रस्सी के सहारे करतब दिखा रही है। मुनिया के करतब को देखकर हर कोई हैरान है। लोगों का कहना है कि ये बच्चे इतनी कम उम्र में जो करतब दिखा रहे हैं, इनके जितनी भी तारीफ की जाए वे कम है। लेकिन इन बच्चों को शिक्षा के लिए भी आगे आना चाहिए क्योंकि सरकार स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है। बच्चों की ड्रेस से लेकर खाना और जूते मोजे तक सरकार बच्चों के हितों को लेकर दे रही है। पढ़ने लिखने की उम्र में ही बच्चे रोजगार में लगे हुए हैं और इतनी कम उम्र में अपनी जिम्मेदारी को निभा रही हैं। ये भी एक सोचने का विषय है। सरकार को इस ओर बेहतर कदम उठाना चाहिए ताकि ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ इस तरह के कार्य करके अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। ध्यान चला रहे हैं कि हम बाल श्रमिकों को किस प्रकार से पुनर्वासित करें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हमारा प्रदेश है या प्रदेश के साथ में जो भी हमारे जिले हैं, उन जिलों में अभी भी शिकायत आती रहती है कि बाल श्रमिक काम करते हैं, ढाबों पर काम करते हैं, चौराहों पर मिलते हैं। लेकिन हमें देखने की आवश्यकता ये है कि खास तौर पर कोविड काल को अगर आप देखें, कोविड काल ने सभी को प्रभावित किया है, लेकिन सरकार जिस तरीके से 24x7 24 घंटे काम करती रही, चाहे वो प्रवासी भाइयों के लिए काम किया हो, चाहे वो बच्चों के लिए काम किया हो, चाहे वो महिलाओं के लिए काम किया हो, चाहे वो रोगी अस्पतालों के लिए काम किया हो, और आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जी की सक्रियता का परिणाम ये रहा है कि तुरंत हमने उत्तर प्रदेश में कोरोना को काबू कर लिया, और न केवल काबू कर लिया है बल्कि अस्पतालों पर भी शिकंजा कसा है, चाहे वो हम उनके पेमेंट को लेकर हो, और चाहे आपने देखा होगा जो कार्रवाई हुई है उसमें।